ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने एक या दो नहीं बल्कि 900 लोगों की हत्या की, और वो भी बिना किसी बंदूक या हथियार के। भारत का वो सीरियल किलर जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और तो और, इसके शातिर कारनामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक किताब भी लिखी गई है। ऐसा हथियारा जिसने भारत में कई सालों तक अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने वाले अंग्रेजों को भी डरा कर रखा। ये कहानी है ठग बहराम की। साल 1765 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे बहराम खान का बचपन काफी साधारण रहा, मगर कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब एक दिन बहराम की मुलाकात अपने से 25 साल बड़े ठग सैयद अमीर अली से हुई। ठग अमूमन ऐसे वायरंट लोगों को कहा जाता है जो किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं या धोखा देकर लूटने में माहिर होते हैं। सैयद भी इन्हीं ठग्स में से एक था जिसने बहराम खान को ठग बहराम बनाने में सबसे अहम किरदार निभाया। 1790 के दशक में आमतौर पर व्यापार करने वाले लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए काफिलों में ट्रैवल किया करते थे। काफिला यानी कि दो चार या इससे ज्यादा लोगों का एक झुंड। जब पहली बार इस काफिले से लोगों के गायब होने की खबर आई तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे ये पूरे के पूरे काफिले गायब होने लगे। लोगों में डर का माहौल पैदा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिपाहियों को सावधान रहने के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। वैसे तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इन सारी घटनाओं के पीछे ठग बहराम का हाथ था, मगर इस काम में वो अकेला नहीं था। उसके जैसे ही 2000 और ठग मिलकर इस काम को अंजाम देते रहे थे। इन लोगों के कपड़े बिल्कुल आम लोगों जैसे होते ताकि किसी को इन पर शक ना हो। जैसे ही इन्हें अपने शिकार की पहचान हो जाती थी, वैसे ही ये ठग काफिले से जुड़ने के लिए उसके आगे पीछे हो जाते। धीरे धीरे उनसे बात करके उनका विश्वास जीत लेते, और फिर जब राहगीरों को इन पर भरोसा हो जाता तब ये ठग अपने काम को अंजाम देते। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये थी कि ये ठग आपस में बात करने के लिए खास कोडेड भाषा रामसी का इस्तेमाल करते थे, और रामसी में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल ये अपने मिशन के लिए किया करते थे। जैसे कब्र को बेल, कुदाल को कस्सी और झोले को लुटकुनिया कहा जाता था। राहगीरों के काफिलों के आगे और पीछे ठगों के दो गिरोह चलते थे। आगे वाले गिरोह का काम मारे जाने वाले लोगों की संख्या पता चलने पर उनके हिसाब से कब्र खोदना था, और सभी लोगों के लिए एक ही कब्र खोदी जाती जिसे लोगों के हिसाब से ज्यादा गहरा या कम गहरा खोदा जाता था, जबकि पीछे वाला गिरोह खतरे का संकेत देने के लिए चला करता था। जैसे अगर कोई खतरा दिखाई देता तो लुचमुन सिंह आ गया ये कहकर ठगों को आगाह किया जाता। वहीं भागने के लिए लोपी खान आ गया बोला जाता था। और इतना ही नहीं, जब राहगीरों को ठगकर ठिकाने लगाने का समय आता तो हमला करने के लिए ठग सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। ये वो समय था जब सूरत और बॉम्बे में अफीम का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। अफीम का पैसा राजपुताना मालवा तक पहुंच रहा था, लेकिन लंबी दूरी और डकैतों से बचने के लिए चांदी और सोने के सिक्कों को ले जाने के लिए खास लोग रखे जाते थे जो आमतौर पर भिखारी के वेश में घुमा करते ताकि किसी को उनकी भनक ना पड़े। मगर हद तो तब हो गई जब ये लोग भी बीच रास्ते से गायब होने लगे। डकैती लूट तक के मामले तो बड़ी बात नहीं थी, मगर लोगों का गायब हो जाना सभी के लिए खौफनाक था। वक्त बीतता गया और ये सिलसिला सालों साल जारी रहा। इसके बाद साल 1828 में विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बेंटिक ने इस मामले की तह तक जाने के लिए विलियम हेनरी स्लीमैन को हायर किया, और फिर शुरू हुई पड़ताल। 1835 में ठग गिरोह का एक सदस्य स्लीमैन के हाथ लगा जिसका नाम था आमिर अली। आमिर अली को काफी टॉर्चर करने पर उसने ठगों के कारनामों का खुलासा किया। आमिर अली ने ही ठगों के सरदार बहराम खान का पता बताया। उसने बताया कि 1790 में बहराम खान ने ठगों की दुनिया में कदम रखा था, और सिर्फ दो दशकों में 2000 से ज्यादा ठगों का एक गिरोह तैयार कर लिया। आमिर अली की मदद से पुलिस ने 1838 में 72 साल के ठग बहराम को भी पकड़ लिया, मगर तब तक बहराम 938 लोगों का कत्ल कर चुका था। हालांकि कुछ रिकॉर्ड्स में ये भी दर्ज है कि उसने सिर्फ 140 लोगों की हत्या की थी, और बाकी हत्याओं में वो सिर्फ वहां मौजूद था। ठग बहराम ने पुलिस को बताया कि हमले के लिए ठग एक पीले रुमाल का इस्तेमाल करते थे जिसमें एक सिक्के को गांठ बांध कर रखा जाता था। रुमाल को शिकार के गले में डालकर मरोड़ा जाता जिससे दम घुटने पर उसकी मौत हो जाती। मेरी तरह ये जानकर शायद आप भी हैरान हो गए होंगे कि हथियार होने के बावजूद भी आखिर कत्ल के लिए रुमाल का इस्तेमाल क्यों। बहराम को पकड़ने वाले स्लीमैन के अनुसार ये ठग गरीबी या किसी मजबूरी में ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि ये लोग ठगी को अपना व्यवसाय मानते थे और देवी काली की पूजा करते थे। खास बात ये थी कि इन ठगों में हर जाति, हर समुदाय और धर्म के लोग शामिल थे,
मगर सभी के सभी देवी काली को बहुत मानते थे और ये सारे कत्ल देवी काली को बलि चढ़ाए गए थे। राहगीरों को पकड़ने का काम भी एक ऐसे खास समय पर किया जाता था जिसे ठग देवी काली माँ का इशारा मानते थे, जैसे बिल्लियों का झगड़ना, कौवे की आवाज आदि। और कब्र खोदने से पहले एक खास पूजा की जाती जिसमें सभी ठग जय देवी माई कहकर काम शुरू करते और ठग यूं ही खून बहाकर देवी काली को नाराज नहीं करना चाहते थे। स्लीमैन ने ठगों को पकड़कर यातना या लालच देकर पूरे ठग गैंग की जानकारी इकट्ठा की। कुछ ठगों को मुखबिर बना लिया गया और अगले 2 सालों में ठगों के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर उनमें से अधिकतर को जेल में डाल दिया गया। इनमें से 412 ठगों को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास। इसके बाद साल 1940 में बहराम खान को भी फांसी दे दी गई और साल 1870 आते आते पूरे भारत से ठगों का खात्मा हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे खौफनाक सीरियल किलर ठग बहराम की कहानी। अगर आप ऐसे ही भारतीय इतिहास से जुड़ी रोमांचक और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।